एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने ज्ञान व्यापी पर हिंदू पक्ष में आए फैसले को लेकर महानगर में पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में तथा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में फ्लैग मार्च एवं रूट मार्च निकाला गया है। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, वाराणसी के जिला न्यायाधीश के द्वारा एक प्रकरण में जो कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित है, निर्णय अपेक्षित है, इसको लेकर सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो हमारे संवेदनशील जनपद हैं वहाँ पे लगातार अधिकारी गश्त कर रहे हैं तथा इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी की है। उनको बताया भी गया है कि जो भी माननीय न्यायालय के डिसीजन आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस को कार्रवाई करनी है और कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था भंग ना होने पाए, इसके लिए सबसे अपील भी की गई है और संबंधित पक्षों के द्वारा भी इस संबंध में बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ कोई भी अराजक तत्व या ऐसा तो भद्रवी तत्व इन स्थितियों का फायदा न उठा पाए, इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके लिए जगह जगह पे स्टैटिक रिजर्व लगाया गया है। हमारे जो कि फोर्स है उसके साथ राइट गियर भी है और सेक्टर स्कीम लगा के लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ आज मंडे का भी दिन है, आज व्यावसायिक प्रतिष्ठान 2 दिनों के बाद से खुलते हैं तो उसके लिए भी लेके विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ जो ईआरबी की गाड़ियां हैं उसको भी विशेष रूप से लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनसे भी हमारा लगातार संपर्क है ताकि कोई भी लापता सूचना हो तो उसे वो तत्काल पुलिस अधिकारियों को बताएं, जिससे कि हम कम से कम समय में रेस्पॉन्ड करके चीज़ों को नियंत्रित करें। बंद की का कोई आयोजन नहीं है और जहाँ तक धारा 144 की बात है वो स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इसमें जिला प्रशासन स्वतंत्र रहता है, उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन मुख्यालय से सेक्टर स्कीम लगाकर गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जगहों पे जो संवेदनशील पॉकेट्स हैं वहाँ प्रॉपर डिप्लॉयमेंट फोर्स का व्यवस्थापन अभी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रखने के लिए और आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए आज सभी थाना क्षेत्रों में अधिकारियों के पर्यवेक्षण में फ्लैग मार्च और रूट मार्च चल रहा है, पिकेट्स भी लगाई गई हैं। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को ये अपील करता हूं कि पुलिस और प्रशासन का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें।